आईपीएल 2024 का आगाज़ हो चुका है, जहाँ पे पहला मैच जो है आईपीएल का चेन्नई में हो चुका है, आरसीबी वर्सेस सीएसके। और अब बाकी सभी टीम्स के फैंस को भी वेट है कि कब जो है उनकी टीम मैच खेलेंगी, और कहीं ना कहीं आईपीएल का जो क्रेज़ है इंडिया में वो बढ़ता हमें नज़र आएगा। पर इस सीज़न में और बाकी सीज़न में आईपीएल के काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है, क्योंकि एक एरा जो है वो ख़त्म हो चुका है इंडियन क्रिकेट का, आईपीएल क्रिकेट का, जहाँ पे एमएस धोनी, रोहित शर्मा और विराट कोहली, पहली बार ऐसा होगा कि इन तीनों दिग्गज खिलाड़ियों में से एक भी खिलाड़ी कप्तान नहीं है आईपीएल के किसी सीज़न में। और पहली बार ऐसा देखने को मिलेगा जहाँ पे काफ़ी सारे इनएक्सपीरियंस कप्तान, काफ़ी सारे ऐसे कप्तान जिन्होंने आईपीएल में काफ़ी कम मैचों में कप्तानी की, और कुछ कप्तान तो ऐसे भी हैं जिन्होंने एक भी मैच अभी तक आईपीएल में एज कैप्टन नहीं खेला है। तो इस वीडियो में पूरी 10 की 10 फ्रेंचाइजी के सभी कप्तानों के एक्सपीरियंस और इनएक्सपीरियंस के बारे में बात करने वाले हैं, और ऐसे कौन से कप्तान हैं जो पहली बार ट्रॉफी भी जीत सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक क्रिकेट जींस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल कॉल पर करना बिल्कुल ना भूलें। जैसा मैंने आपको बताया, आईपीएल 2024 का आगाज़ हो चुका है और आज भी जो है दो मुकाबले खेले जाने, और जो आज का नाइट मुकाबला है वो है एमआई वर्सेस जीटी। काफ़ी बड़ा मुकाबला है जहां पे नए हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस की तरफ से और गुजरात की तरफ से होंगे शुभमन गिल। तो शुभमन गिल सबसे पहला नाम आता है जो कि इन एक्सपीरियंस कप्तानों की लिस्ट में, जिन्होंने अभी तक आईपीएल हिस्ट्री में एक भी मैच में कप्तानी नहीं की है, काफ़ी यंग खिलाड़ी हैं। और पहला जो मैच है वो अपना आज मुंबई के खिलाफ खेलने वाले हैं एज कैप्टन। अगर हम दूसरे नंबर पे बात करें तो वहाँ पे नाम आता है पैट कमिंस का। पैट कमिंस आईपीएल में एज प्लेयर तो काफ़ी साल खेल चुके हैं, लेकिन बतौर कप्तान वो पहली बार सनराइजर्स के लिए मैच अपना इस सीज़न में खेलते आपको नज़र आएंगे। फिर तीसरे नंबर पे नाम आता है ऋतुराज का, जिन्होंने कल ही आरसीबी के खिलाफ अपने पहले आईपीएल कैप्टनसी मैच में कप्तानी की, और अब जो वो लिस्ट है वो इस लिस्ट में तीसरे नंबर पे आते हैं इन एक्सपीरियंस में, जहाँ पे उनके नाम एक मैच है। अगर हम चौथे नाम की बात करें तो वो नाम है शिखर धवन। शिखर धवन ने आईपीएल में पंजाब के लिए भी कप्तानी की और कुछ मैचों में हैदराबाद के लिए भी कप्तानी की हुई है, जब डेविड वार्नर अवेलेबल नहीं रहते थे, तो उन्होंने जो है टोटल 22 मैचेस में, कुल 22 मैचों में कप्तानी की है। उसके बाद अगला जो नाम आता है वो आता है फाफ डू प्लेसी, यानी आरसीबी के जो कप्तान है, पिछले दो सीजन से लगातार उन्होंने सभी मैचों में कप्तानी की है, इससे पहले उन्होंने आईपीएल में कभी भी कप्तानी नहीं की थी। तो शिखर धवन 22 और फाफ डू प्लेसी 27 मैचेस का जो कैप्टनसी एक्सपीरियंस है। और उसके बाद जो नाम आता है वो आता है नंबर 6 पे ऋषभ पंत का, जहाँ पे उनके नाम 30 मैचों का एक्सपीरियंस है। दिल्ली के लिए उन्होंने काफ़ी लॉन्ग समय के लिए कप्तानी इतनी नहीं की, क्योंकि श्रेयस अय्यर 2019 में कप्तान थे, उसके बाद 2020 में भी श्रेयस अय्यर कप्तान रहे, 21 में जो है ऋषभ को कप्तानी मिली, 21 और 22 में उन्होंने दोनों साल कप्तानी की, उसके बाद उनका एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद हार्दिक पांड्या कप्तान, काफ़ी पोटेंशियल है, एक ट्रॉफी भी उनके नाम है, 31 मैचों में कप्तानी की है, और गुजरात को छोड़ के मुंबई की तरफ से आपको वो कप्तानी करते नजर आने वाले हैं, और आज जो है पहली बार वो मुंबई के लिए कप्तानी करने मैदान पे उतरेंगे। उसके बाद नंबर 7 पे जो नाम आता है वो आता है संजू सैमसन का। संजू सैमसन के पास काफ़ी ज़्यादा मैचों का एक्सपीरियंस है, 45 मैचेस, मतलब 3 सीज़न उन्होंने बतौर कप्तान खेले हैं, और एक बार साल 2022 में राजस्थान रॉयल्स को अपनी कप्तानी में फाइनल भी खिलाया है। उसके बाद नंबर 9 पे अगर आप बात करें, या नंबर 2 पे कहें आप, 9 पे, क्योंकि ये इन एक्सपीरियंस में 9 पे, और मोस्ट एक्सपीरियंस में 2 पे नाम आता है केएल राहुल का। केएल राहुल ने पंजाब और लखनऊ को मिला के टोटल 51 मैचों में, यानी 51 मैचेस में जो है कप्तानी की है, उनके पास काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, और लखनऊ को दो बार वो क्वालिफाई भी करा चुके हैं आईपीएल में लगातार। नंबर 1 पे जो नाम आता है, अब वो थोड़ा शॉकिंग नाम भी है, वो है श्रेयस अय्यर, क्योंकि श्रेयस अय्यर जो है दिल्ली डेयरडेविल्स की कप्तानी करते थे, उसके बाद कैपिटल्स की भी उन्होंने कप्तानी की, और वो जो है सिलसिला 2018-19-20 लगातार वो चीज़ आपको देखने को मिली, और जब वो इंजर्ड हुए तो उन्हें रिलीज़ किया गया, और अब वो केकेआर की तरफ से कप्तानी करते हैं आपको साल 2024 में नज़र आएंगे 55 मैचों का एक्सपीरियंस के साथ। तो ये चीज़ दिखाती है कि जो एमएस धोनी का एरा था काफ़ी ज़्यादा, 226 मुकाबले विराट कोहली ने खेले हैं बतौर कप्तान, 143 मुकाबले रोहित शर्मा ने खेले हैं, 158 मुकाबले, लेकिन अगर आप बात करें इस सीज़न में तो 55 मैचों का, कुल 55 मैचों का, यानी कि 4 सीज़न का एक्सपीरियंस, 3.5 सीज़न का, वो है श्रेयस अय्यर के पास। तो ये सीज़न एक एक्साइटिंग सीज़न भी हो सकता है, क्योंकि सारे ही नए नाम है कप्तानी में, और शायद आपको कोई नया कप्तान, पैट कमिंस हैदराबाद को काफ़ी ज़्यादा लोग बात कर रहे हैं, या फिर आरसीबी के बीच में बात हो रही है, दिल्ली की भी बात हो रही है, कि शायद इन टीमों में से भी कोई अपनी पहली ट्रॉफी जीते। हैदराबाद तो ऑलरेडी एक जीत चुकी है, लेकिन पंजाब, दिल्ली और आरसीबी का जो वेट है वो अभी भी कहीं ना कहीं जारी है, और फैन जो है वो वेट कर रहे हैं कि नए कप्तान के साथ शायद फॉर्चून भी बदले, पर वो देखने वाली बात होगी। आपके हिसाब से आईपीएल 2024 की टॉप 4 कैसी रहने वाली है, कौन सी ऐसी 4 टीम है जो आईपीएल के लिए क्वालिफाई करेंगे, वो आप हमें कमेंट्स में बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके साथ एक और वीडियो में जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर।